हेलो फ्रेंड, मैं आकांक्षा। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद आकांक्षा। आज मैं बिना मावा की गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होली पर गुजिया हर घर में खास तौर पर बनाई जाती है। मिठाई की दुकानों पर भी गुजिया मिल जाती है, लेकिन घर पर बनी गुजिया का स्वाद ही अलग होता है। ये इतनी मुलायम होती है कि मुँह में रखते ही खुल जाती है। आप चाहें तो घर में आसानी से गुजिया बना सकते हैं। देखिए कितनी नर्म और मुलायम गुजिया बनी है। घर की बनी गुजिया खाने में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं गुजिया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, जिसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालूंगी और देसी घी को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। देसी घी में हम सारे मेवे को फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें 30 ग्राम कद्दूकस किया हुआ नारियल डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये 30 ग्राम किशमिश डालूंगी। अब मैं इसमें 30 ग्राम चॉप किए हुए काजू डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये कटे हुए 30 ग्राम बादाम डालूंगी, 20 ग्राम चिरौंजी डालूंगी और सब चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और इस तरीके से अगर हम रोस्ट करके मेवा को गुजिया में भरते हैं तो हमारी गुजिया की शेल लाइफ बढ़ जाती है। वो जल्दी ख़राब नहीं होती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालूंगी और इसको भी अच्छे से मेवे में मिक्स करूंगी। अब ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब देखिए इसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। अब मैं इसी पैन में 100 ग्राम सूजी डालूंगी और उसको भी अच्छे से हल्की आंच पर चलाते हुए धीमे धीमे भूनूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करूंगी और देसी घी के साथ में अच्छे से हमें सूजी को भूनना है। सूजी को हमें हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर का सूजी को नहीं भूनना है। अब देखिए सूजी हमारी भुन गई है। अब मैं इसमें ये 250 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये 150 ml मिल्क डालूंगी। ये फुल क्रीम मिल्क है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी और इसी तरह हम चलाते हुए धीमी आंच पे मावा तैयार करेंगे। अब मैं इसमें 125 ग्राम चीनी डालूंगी और चीनी को भी अच्छे से मिक्स करूंगी। चीनी से जो पानी रिलीज़ होगा उसको हमें सुखाना है। धीरी आंच पे हम इसको धीरे धीरे करके भूनेंगे और हम ये इंस्टेंट मावा तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। अब देखिए ये थिक हो गया है, इसी तरीके का टेक्सचर हमें चाहिए और हमारा मावा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये मावा इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। अब मैं इसे पैन से निकाल लूँगी और इसको देखिए मैंने बाउल में निकाल लिया है और देखिए हमारा मावा तैयार हो गया है। अब मैंने 1 थाली में 300 ग्राम मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया है। इसमें मैं 100 ml रिफाइंड ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। हम जब मैदा में ऑयल डालते हैं तो इससे हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता और मुलायम बनती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसमें देखिए हमने ऑयल एकदम परफेक्ट रेशियो में डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसका एक डो तैयार करूंगी। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, वरना हमारा डो पतला हो जाएगा और उससे हमारी फिर गुजिया नहीं बन पाएगी। धीरे धीरे पानी लगा के मैं इसका एक टाइट डो तैयार करूंगी, जो कि परफेक्ट डो होगा। ना ही हमें इसका डो बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट करना है। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है।
इसको अच्छी तरीके से हम हाथों से मस लेंगे और इसे मसल मसल के हम तैयार करेंगे। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है और अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। अब मैं एक चाकू से इक्वल शेप की छोटी छोटी बॉल्स कट करूंगी, जिससे हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बने और सबकी एक एक छोटी छोटी बॉल्स हम बनाएंगे। ये देखिए मैंने सबकी बॉल्स बना के तैयार कर ली है। छोटी छोटी लोइयां हमने इस तरीके से बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं एक छोटी लोई लूंगी जिस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम बेलेंगे और इसकी हमें एक छोटी पूड़ी बेलनी है। और हमें ये बात का ध्यान रखना है कि पूड़ी को हमें पतला बेलना है। जितनी पतली हमारी पूड़ी होगी उतनी बढ़िया हमारी खस्ता गुजिया बनेगी। ये देखिए हमने एक पतली पूड़ी बेल ली है और इसको हम गुजिया के मोल्ड के ऊपर रखेंगे। अब मैं इसमें मावा भरूंगी और मावा को हम हाथों से फैलाएंगे और गुजिया के एक ही साइड हमें मावा भरना है। अब गुजिया के चारों तरफ मैं उंगली से थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, जिससे हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए हमने अच्छे से भर दिया है। अब देखिए गुजिया के साँचे को हम बंद करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम इसमें से निकाल लेंगे और अच्छे से टाइट से दबा के हमारी गुजिया देखिए तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर गुजिया हमारी बनी है। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना के तैयार करेंगे। अब देखिए हमने सारी गुजिया बना ली हैं। देखिए कितनी खूबसूरत गुजिया हमारी बनी है। और अब हम इन सारी गुजियों को फ्राई करेंगे। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें गुजिया को फ्राई करूँगी। अब देखिए हम इसमें गुजिया डालेंगे। जितनी गुजिया एक बार में आएंगी उतनी गुजिया हम डाल के इसको फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है ताकि गुजिया हमारी कच्ची ना रहे और हल्की सुनहरी गुजिया हमें फ्राई करनी है दोनों साइड से। देखिए हमने इसमें गुजिया डाल दी हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गुजियों को मैंने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बनी है, एकदम हल्की सुनहरी गोल्डन ब्राउन कलर की। इसी तरीके की गुजिया हमें फ्राई करनी है और अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए हमने टिश्यू पेपर के ऊपर इन्हें निकाला है ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर पे रिमूव हो जाए। इसी तरीके से बाकी सारी गुजिया हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी गुजिया फ्राई करके तैयार कर ली हैं, जो कि देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। कोई भी गुजिया देखिए हमारी टूटी नहीं है, सारी गुजिया हमारी कितनी परफेक्ट बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं देखिए एक गुजिया आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी मुलायम गुजिया हमारी बनी है। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।